सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वैकेंसी निकाली थी कुछ समय पहले ग्रुप डी की, साथ ही क्लरिकल कैडर की, जूनियर असिस्टेंट की और ड्राइवर की, साथ ही स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसी निकाली थी और इसके लिए एडवर्टाइजमेंट जारी किया था 5/12/18 को और इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। साथियों, इनके लिए एग्जाम डेट की घोषणा कर दी गई है और जिन कैंडिडेट ने ग्रुप डी के लिए अप्लाई किया है, साथ ही क्लरिकल कैडर के लिए अप्लाई किया है यानी पोस्ट कोड नंबर 4 और 2 के लिए अप्लाई किया है, उनका एग्जाम होगा 20/1/2019 को, 20 जनवरी को उनका एग्जाम होना है। वहीं जिन्होंने ड्राइवर ग्रेड 4 के लिए यानी पोस्ट कोड नंबर 3 और साथ ही स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 1 के लिए अप्लाई किया था, उनका एग्जाम होगा 21 जनवरी 2019 को। और इन दोनों वैकेंसी के लिए एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2019 से ऑनलाइन उपलब्ध होंगे और आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। जो वेबसाइट है वो है asc.cebtexam.in। 12 तारीख को इलाहाबाद हाईकोर्ट के एग्जाम के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। जो एग्जाम होना है वो ग्रुप डी का होना है, क्लरिकल कैडर का होना है, ड्राइवर का होना है और स्टेनोग्राफर का होना है। तो अगर आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था तो आप ये डेट नोट कर लें। और जो एग्जाम है ग्रुप डी और क्लरिकल कैडर का वो होगा 20 जनवरी को, वहीं ड्राइवर का और स्टेनोग्राफर का होगा 21 जनवरी को और एडमिट कार्ड आपके पास उपलब्ध होंगे 12 जनवरी 2019 से। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।